गुड मॉर्निंग एवरीवन. नाउ टुडे आई डिस्कस अबाउट नेक्स्ट पार्ट ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज पैनक्रियास. इन प्रीवियस क्लास ऑलरेडी लर्न अबाउट द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स, ये हमने डिटेल देखा है. अब नेक्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं पैनक्रिया. व्हाट इज पैनक्रिया? अब ये पैनक्रिया क्या है? दैट इज द पैनक्रिया आर ग्लैंड. पैनक्रिया क्या है? ये ग्लैंड है. That gland, it is ecto. यहाँ पे हम अगर origin देखेंगे, the origin of that pancreatic gland is endodermal in origin. Origin जो है वो endodermal origin है. अब endodermal मतलब जो three germinal layer है उसमें से अंदर की जो layer है endoderm, उससे ये arise होती. The nature of that gland is dual in nature. इसका nature क्या है? Dual nature. There are two type of glands. यहाँ पे दो type के gland होते हैं. First one is exocrine and second one is endocrine. बराबर, ये दो type के glands यहाँ पे present होते हैं. मतलब यहाँ पे exocrine मतलब is the presence of duct. Duct bearing gland होती है वहां पे, जो भी secrete करेगी duct से एक जगह से दूसरी जगह transport करेगी. Endocrine मतलब is absence of duct. That's why that gland is known as ductless gland. मतलब जो भी सब्सटेंस ये सिक्रीट करेगी, ग्लैंड का टिपिकल कैरेक्टर कौन सा है? ग्लैंड सिक्रीट सर्टन सब्सटेंस. क्या करती है ग्लैंड? सर्टन सब्सटेंस सिक्रीट करती है. अब एंडोक्राइन मतलब ये क्या करेगी? जो भी सिक्रीट करेगी सब्सटेंस वो कहां पे ट्रांसफर करेगी? ट्रांसफर टू द ब्लड स्ट्रीम. ब्लड स्ट्रीम में ये ट्रांसफर करेगी. दैट्स व्हाई दैट ग्लैंड इज नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड. अब यहां पे इसका ड्यूअल नेचर, दोनों नेचर है. The exocrine part of that gland is nothing but the already learned in digestive system. ये कहां पे learn किया हमने? Digestive system. मतलब bile juice, बराबर? यहां पे exocrine जो है pancreatic juice जो secrete करती है वो कौन सा है? That is the exocrine. कौन सा? Exocrine part. मतलब which secrete pancreatic juice which help for the digestion. डाइजेशन के लिए हेल्प करेगा वो. पैनक्रियाटिक जूस हेल्प करता है फॉर द डाइजेशन. बराबर, मतलब दैट इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड. ये जो सिक्रीट करेगा वो डक्ट से ट्रांसफर करता है डाइजेस्टिव ट्रैक में. दैट्स व्हाई दैट फूड आर डाइजेस्टेड इनसाइड द डाइजेस्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ दैट ग्लैंड पैनक्रियाटिक. देन एंडोक्राइन, इसका ड्यूअल नेचर है, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन. एंडोक्राइन पार्ट जो है विच सीक्रेट सर्टन हॉर्मोन, दैट हॉर्मोन सीक्रेट इनसाइड द ब्लड स्ट्रीम. कहां पे ट्रांसफर करेगी? ये ब्लड में ट्रांसफर करती. दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज एंडोक्राइन. अब इसकी पोजीशन अगर देखते हैं हम, ये ड्यूअल नेचर है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन. यहां पे हमें एक्सोक्राइन पार्ट नहीं देखना है, एंडोक्राइन देखना है, वो देखेंगे. अब ये जो है ये किस वे से ग्लैंड प्रेजेंट होती है? दे जस्ट लुक लाइक लीफ. ये लीफ लाइक एक ग्लैंड वहां पे दिखेगी. दैट लीफ लाइक ग्लैंड इज नोन एज पैनक्रियाटिक ग्लैंड. इस लीफ लाइक ग्लैंड को क्या बोलते हैं? पैनक्रियाटिक ग्लैंड बोलते हैं. ये पैनक्रियाटिक ग्लैंड, दैट ग्लैंड प्रेजेंट इन बिटवीन स्टमक एंड ड्यूओडेनम. स्टमक जो होता है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? यहां पे ओवल, यहां पे स्टमक प्रेजेंट होगा लाइक दैट. इस स्टमक के नीचे दैट ग्लैंड इज प्रेजेंट इन बिटवीन स्टमक एंड ड्यूओडेनम. इसके बाद जस्ट क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट शुरू होता है. दैट इज द पोजीशन ऑफ दैट पैनक्रियाटिक ग्लैंड इज नथिंग बट द विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक. मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक मतलब कौन सा पार्ट? स्टमक एंड ड्यूओडेनम. इसके बीच में एक लीफ लाइक ग्लैंड वहां पर प्रेजेंट होती है. दैट ग्लैंड इज नोन एज पैनक्रियाटिक ग्लैंड. फिर पैनक्रियाटिक ग्लैंड में दो टाइप के सेल्स होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के टिश्यू होते हैं. एक पार्ट जो है जो डाइजेस्टिव क्या सिक्रीट करेगा? यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है. दैट इज द एक्सोक्राइन. बट एंडोक्राइन मतलब यहाँ पे पैनक्रियाटिक ग्लैंड में जो हमें पढ़ना है दैट इज द आइलेट ऑफ लैंगरहन. इस पैनक्रियाटिक ग्लैंड में क्या प्रेजेंट होगा? आइलेट ऑफ लैंगरहन. इस तरह जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसके अंदर आइलेट ऑफ लैंगरहन प्रेजेंट होते हैं. दैट इज द आइलेट ऑफ लैंगरहन. दैट द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ
एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाटिक ग्लैंड, ये एंडोक्राइन पार्ट है पैनक्रियाटिक ग्लैंड का। देखो यहां आइलेट ऑफ लैंगरन, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, दैट सेल इज नोन एज आइलेट ऑफ लैंगरन। ये जो आइलेट ऑफ लैंगरन दैट इज द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाटिक ग्लैंड। अब ये पैनक्रियाटिक ग्लैंड क्या करती है, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ सर्टन हॉर्मोन। दैट आइलेट ऑफ लैंगरन पजेस डिफरेंट सेल, फर्स्ट वन अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड पीपी, स्टैंड फॉर पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड मतलब यहां पे क्या होता है, आइलेट ऑफ लैंगरहन विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, यहां पे अलग अलग टाइप के सेल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट दैट इज द अल्फा सेल विच कवर नियर अबाउट 20% ऑफ दैट आइलेट ऑफ लैंगरहन, मतलब इसका जो पार्ट है अल्फा सेल का वो कितना कवर करता है 20%, देन बीटा सेल का 70%, देन डेल्टा सेल का 5% और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का 5%, मतलब ये इतना परसेंट यहाँ पे अगर हम कंसिडर करेंगे तो ये 100% होगा, बराबर ये पार्ट कवर करता है। फिर कौन सी सेल, अल्फा सेल क्या करती है, उसका फंक्शन क्या है, ये हम देखेंगे। दैट अल्फा सेल विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन, इट स्टिमुलेट लीवर फॉर ग्लूकोजिनोलाइसिस, अब ग्लूकोजिनोलाइसिस टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये क्या करता है अल्फा सेल, ग्लूकागॉन क्या सिक्रीट करेगा, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन, क्या करता है ये ग्लूकागॉन सिक्रीट करता है, कौन अल्फा सेल, कहां पे प्रेजेंट होता है आइलेट ऑफ लैंगरन में, विच सिक्रीट ग्लूकागॉन, इट स्टिमुलेट लीवर फॉर द ग्लूकोजेनोलाइसिस टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, मतलब जो लीवर है, लीवर के अंदर जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज क्या करेगा, विच स्टिमुलेट लीवर सेल, लीवर सेल के अंदर जो ग्लूकोज है उसे स्टिमुलेट करता है, विच स्टिमुलेट लीवर टू सिक्रीट ग्लूकागॉन और ग्लूकोजिनोलाइसिस टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल, मतलब ब्रेक डाउन करने के लिए ग्लूकोजेनोलाइसिस, मतलब विच स्टिमुलेट लीवर सेल टू ग्लूकोजेनोलाइसिस, मतलब ये क्या करता है अल्फा सेल जो हार्मोन सिक्रीट करता है ग्लूकागॉन, विच स्टिमुलेट, ये क्या करता है विच स्टिमुलेट लीवर, लीवर सेल को स्टिमुलेट करता है फॉर द ग्लूकोजेनोलाइसिस, मतलब ब्रेक डाउन करने के लिए, बराबर टू इंक्रीज, यहां पे स्टिमुलेट करता है ग्लूकोजेनोलाइसिस, उसके लिए ग्लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, वो ब्रेकडाउन करता है और यहां पे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज होती, मतलब ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज कौन करता है आइलेट ऑफ लैंगरन में, अल्फा सेल विद द हेल्प ऑफ सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन सिक्रीट करके ग्लूकोज की लेवल ब्लड में इंक्रीज करने का काम कौन करता है, दैट द ग्लूकागॉन विद द स्टिमुलेशन स्टिमुलेटिंग द लीवर सेल, लीवर सेल को स्टिमुलेट करता है किस पर्पज के लिए, टू इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, मतलब ब्लड में ग्लूकोज की लेवल जो है वो इंक्रीज करने के लिए। देन देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दैट अल्फा सेल विच इज कवर्ड नियर अबाउट 20% पार्ट ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरन। अब ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ गई, बाद में ब्लड से हर पार्ट को प्रोवाइड होगा, अब किस वे से प्रोवाइड होता है, देखते हैं बीटा सेल्स आइलेट ऑफ लैंगरन विच कवर नियर अबाउट 70% ऑफ दैट आइलेट ऑफ लैंगरन विच कवर नियर अबाउट बीटा सेल, 70% जो पार्ट होता है वो बीटा सेल का होता है। अब बीटा सेल करता क्या है, क्या करता है देखो यहां बीटा सेल, अब बीटा सेल क्या करता है, देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये आइलेट ऑफ लैंगरन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज द बीटा सेल, दैट बीटा सेल विच सीक्रेट इंसुलिन, क्या सीक्रेट करता है ये, विच सीक्रेट इंसुलिन, ये इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट करता है, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट इंसुलिन हार्मोन, क्या ये हार्मोन क्या करता है ये आपको पता है, बराबर इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, इट स्टिमुलेट लीवर एंड मसल फॉर ग्लूकोजेनेसिस, दिस लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल। देखो यहां
विच स्टिमुलेट लीवर एंड मसल्स, ये लीवर को और मसल्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, किसे, विच स्टिमुलेट लीवर एंड मसल, लीवर और मसल को स्टिमुलेट करता है, फॉर व्हाट पर्पस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस। अब ग्लाइकोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, यहां पे क्या होगा, ग्लाइकोज मतलब ग्लूकोज, जेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। अब यहां पे अगर हम देखेंगे दिस लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल, मतलब ये जो इंसुलिन हार्मोन है, ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, जो इंक्रीज हुई लेवल है अल्फा जो सेल्स है 20% ग्लूकोज, यहाँ पे जो हार्मोन होता है ग्लूकागॉन, यहाँ पे कौन सा होता है ग्लूकागॉन, ये हार्मोन होता है, ये क्या करता है ब्लड में शुगर की लेवल इंक्रीज करता है, बराबर, ब्लड में शुगर की लेवल इंक्रीज करता है ग्लूकागॉन, लेकिन उस लेवल को मेंटेन करने का काम कौन करता है, इंसुलिन, कौन करता है, इंसुलिन, विद द हेल्प ऑफ स्टिमुलेटिंग लीवर और मसल्स, मसल्स को और लीवर को स्टिमुलेट करके ये ब्लड शुगर लेवल जो है ये क्या करता है, कम करता है, बराबर, ये कम करता है, मेंटेन करता है, मेंटेन करता है मतलब क्या करता है, यहाँ पे ये जो अगर ब्लड है, ब्लड यहां से अगर फ्लो हो रहा है ब्लड कैपिलरी से या आर्टरी से, तो ये जो है इंसुलिन, ये जो चैनल है यहाँ पे, यहाँ पे ओपनिंग्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, दैट चैनल कनेक्ट टू द सेल्स, सराउंडिंग सेल्स के साथ कनेक्ट होते हैं, तो ये चैनल को ओपन करता है फॉर द एंट्री ऑफ दैट एक्सेसिव ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू सेल, ब्लड से वो सेल की तरफ ट्रांसफर होने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल करता है, मतलब यहाँ पे ट्रांसफर होना चाहिए, सेल के अंदर अगर वो ट्रांसफर हो गया तो यहाँ पे ब्लड में जो ग्लूकोज की लेवल है वो अपने आप मेंटेन करेगी, मतलब कौन करता है, इंसुलिन। देन डेल्टा सेल, थर्ड टाइप ऑफ सेल, दैट इज द डेल्टा सेल, डेल्टा सेल कवर नियर अबाउट 5% ऑफ आईलेट ऑफ लैंगर, अब डेल्टा सेल कितना पार्ट कवर करती है, 5%, फिर डेल्टा सेल क्या करती है, सीक्रेट सोमेटोस्टैटिन विच इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, मतलब विच सीक्रेट सोमेटोस्टैटिन, अब सोमेटोस्टैटिन मतलब क्या होता है, यहां पे क्या सीक्रेट करेगा, विच सीक्रेट सोमेटोस्टैटिन, ये हार्मोन सीक्रेट करता है, मतलब डेल्टा सेल विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोमेटोस्टैटिन, अब सोमेटोस्टैटिन अगर ये हार्मोन सीक्रेट होता है विच इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ ग्लूकोज एंड इंसुलिन, मतलब ये दोनों के ऊपर अल्फा सेल और बीटा सेल, यहाँ पे ग्लूकागॉन और इंसुलिन जो सेल सीक्रेट करती है उसके ऊपर ये कंट्रोल करते, विच इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ और विच कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सीक्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन के ऊपर कंट्रोल करता है, मतलब विच इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ, विच इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, इंसुलिन और ग्लूकागॉन के ऊपर ये कंट्रोल करता है, मतलब मान लो ग्लूकागॉन ने क्या किया, यहां पे एक्सेसिव ग्लूकोज अगर फॉर्म किया है, बराबर, तो ब्लड में शुगर की लेवल मेंटेन होगी, मतलब इंक्रीज होगी, यहां इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, ये क्या करता है डेल्टा सेल, उस वक्त इस ग्लूकागॉन को इनहिबिट करता है, सीक्रेशन करना इनहिबिट करता है, स्टॉप करता है, बराबर, देन उसके बाद अगर ग्लूकोज की लेवल अगर कम हो गई तो क्या होगा, ये इसे इनहिबिट करेगा टू सीक्रेशन ऑफ मोर ग्लूकोज बाय द ग्लूकागॉन, और इंसुलिन अगर इसकी लेवल अगर कम ज्यादा होती है तो ये जो है डेल्टा सेल वो क्या करती है, इंसुलिन की लेवल मेंटेन करती है फॉर द सीक्रेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, कौन से कंपाउंड, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, ग्लूकागॉन और इंसुलिन सीक्रेट करके, देन उसके बाद विच हेल्प फॉर द सीक्रेशन मोटिलिटी, यहाँ पे इट ऑल्सो डिक्रीज द गैस्ट्रिक सीक्रेशन मोटिलिटी एंड एब्सॉर्प्शन इन डाइजेस्टिव ट्रैक, देखो यहाँ डिक्रीज द गैस्ट्रिक सीक्रेशन विच ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू डिक्रीज द गैस्ट्रिक सीक्रेशन, गैस्ट्रिक जूस जो होता है डाइजेस्टिव ट्रैक में जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो भी स्टिमुलेट करता है, कब ज्यादा सीक्रेट करना है कब कम सीक्रेट करना है ये कंट्रोल करता है उसके ऊपर भी, देन ऑल्सो
एब्जॉर्प्शन इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विच ऑल्सो इंक्रीज द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये जो डेल्टा सेल है ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन तो कंट्रोल करता ही है इनहिबिट करके, लेकिन ये डाइजेशन के लिए हेल्प भी करता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है वो गैस्ट्रिक जो जूस सीक्रेट करती है उसके ऊपर भी ये कंट्रोल करता है। विच ऑल्सो हेल्प फॉर टू डाइजेस्ट द पर्टिकुलर फूड, फूड को भी डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करेगी। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट दैट इज द स्मॉल पार्ट ऑफ दैट आइलेट ऑफ लैंगरन विच कवर्ड बाय द पीपी सेल, मतलब पैनक्रियाटिक पेप्टाइड सेल, पॉलीपेप्टाइड सेल, पैनक्रियाटिक पेप्टाइड सेल कवर नियर अबाउट 5%, दैट सेल इज ऑल्सो नोन एज एफ सेल। इसे क्या कह सकते हैं हम, एफ सेल भी उसे हम कह सकते हैं। सीक्रेट पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, इट इनहिबिट द रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। ये क्या करता है, इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। क्या करता है ये, विच इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, ये पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करना इनहिबिट करता है। कौन कौन करेगा, ये पीपी सेल दैट इज द पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल, दैट सेल विच इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। ये पैनक्रियाटिक जूस जो है डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, वो क्या करता है इनहिबिट करता है, मतलब उसकी लेवल मेंटेन करता है फॉर द प्रॉपर डाइजेशन। दिस इज ओवर अबाउट द आइलेट ऑफ लैंगरन और पैनक्रियाटिक सेल, पैनक्रियाटिक सेल के बारे में देखा। अब डिसऑर्डर रिलेटेड टू पैनक्रियाटिक सेल, अब रिलेटेड मतलब डिसऑर्डर्स होते हैं यहाँ पे, डिसऑर्डर मतलब अगर ये ओवर सिक्रेशन हुआ तो क्या होगा, अगर ये कम सिक्रेट हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे हम देखेंगे डिसऑर्डर रिलेटेड टू पैनक्रियाटिक सेल। पैनक्रियास से रिलेटेड डिसऑर्डर हम अब देखने वाले, देखो यहाँ पे अब कौन कौन से डिसऑर्डर होने के चांसेस है। दिस इज मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक एंडोक्राइन डिसऑर्डर ऑफ पैनक्रिया। अब देखो पैनक्रियाटिक ग्लैंड पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करके डाइजेशन के ऊपर इफेक्ट करता है, डाइजेशन प्रोसेस मेंटेन करती है। देन सेकंड थिंग अगर हम देखेंगे विच ऑल्सो सिक्रीट इंसुलिन टू मेंटेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करती है, दैट इज द इसेंशियल एक्टिविटी टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बींग। ये काफी इंपॉर्टेंट और इसेंशियल एक्टिविटी है फॉर ह्यूमन बींग के लिए। इट लीड टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, दिस इज ड्यू टू अंडर एक्टिविटी ऑफ बीटा सेल। मान लो ये जो बीटा सेल है, ये बीटा सेल अगर यहां पर डिफेक्टिव कंडीशन अगर है, यहाँ पे बीटा सेल कवर नियर अबाउट 70% पार्ट ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरन, तो ये क्या सीक्रेट करते हैं इंसुलिन। अगर इंसुलिन का सीक्रेशन अगर कम हो गया, इंसुलिन का सीक्रेशन अगर कम हुआ और यहाँ पे जो फर्स्ट सेल है दैट इज द अल्फा सेल ग्लूकागॉन एक्सेसिव सीक्रेट करने लगा, तो क्या होगा यहाँ पे ब्लड में शुगर की लेवल इंक्रीज होगी, ब्लड में शुगर की लेवल इंक्रीज होगी। अगर ब्लड में शुगर की लेवल अगर इंक्रीज होती है तो यहां पे क्या होगा, विच लीड टू फॉर्म डिसऑर्डर, कौन सा, डायबिटीज मेलिटस, मतलब यहां पे डायबिटीज मेलिटस होने के चांसेस है, मतलब दैट इज द शुगर। बराबर, शुगर का सिक्रेशन वहां पे ज्यादा हो रहा है, मतलब ग्लूकोज का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, अल्फा सेल वो ग्लूकागॉन ज्यादा सिक्रेट करेगी तो ब्लड में शुगर की लेवल इंक्रीज होगी, विच कॉल दिस इज दैट इज द डायबिटीज मेलिटस। उस डिसीज को क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस। अब डायबिटीज मेलिटस मतलब इंक्रीज द शुगर लेवल इन ब्लड, ब्लड में शुगर की लेवल इंक्रीज होना, दैट डिसीज इज नोन एज डायबिटीज मेलिटस विच रिजल्ट इन रिड्यूस सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। इन चिल्ड्रन सच कंडीशन इज नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, मतलब जनरली अगर ये कंडीशन चिल्ड्रन में अगर होती है, बराबर, ये कंडीशन अगर चिल्ड्रन में होती है तो ये इंसुलिन से रिलेटेड है, क्योंकि इंसुलिन की क्वांटिटी कम सिक्रेट हो रही है,
बराबर, वो तो ग्लूकागॉन नॉर्मली सीक्रेट हो रहा है कंटिन्यू, लेकिन इंसुलिन डिफिशियंसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, इंसुलिन यहाँ पे हम उस डिसीज को बोल सकते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस इन चिल्ड्रन, देन दैट इज टाइप वन टाइप। अब यहाँ पे इसके दो टाइप है, टाइप वन इंसुलिन डिफिशियंसी और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, इसे हम बोल सकते हैं आई इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, आई डी डी एम, इसे क्या बोल सकते हैं हम आई डी डी एम, इंसुलिन डिफिशियंसी और डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस उसे कहते हैं। देन टाइप वन द अदर फॉर्म ऑफ डायबिटीज इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। देखो यहां टाइप, यहां पे दो टाइप के डायबिटीज होते हैं, टाइप वन मतलब इंसुलिन अगर कम सिक्रेट होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस अगर कम सिक्रेट होता है तो वो इंसुलिन प्रोसेस के ऊपर डिपेंड है, मतलब वो इंसुलिन कम सिक्रेट हो रहा है इसी वजह से ये डिसीज हो रहा है, दैट इज द टाइप वन। और यहाँ पे सेकेंड होगा टाइप, यहाँ पे दो टाइप के मतलब दो टाइप के डायबिटीज मेलिटस प्रेजेंट होगा या डायबिटीज से रिलेटेड डिसीज होंगे, दैट इज टाइप वन एंड टाइप टू, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, मतलब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, एन आई डी डी एम बोल सकते हैं इसे, क्या बोलेंगे हम एन आई डी डी एम बोलेंगे, क्यों, क्योंकि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं उसे। अब टाइप टू में होता है, इट इज कॉज्ड ड्यू टू फेलियर ऑफ इंसुलिन टू फैसिकुलेट और फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल्स, मतलब इंसुलिन यहाँ पे फेलियर ऑफ इंसुलिन टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल रिड्यूस सेंसिटिविटी और इंसुलिन इन द इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे टू फेलियर ऑफ इंसुलिन टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल, मतलब ये जो है टाइप टू में क्या है, इंसुलिन सीक्रेट हो रहा है, इंसुलिन प्रॉपर वे से सीक्रेट हो रहा है, लेकिन ये जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन यहां से जो ब्लड है, अब इमेजिन करो यहां पे ब्लड, ये ब्लड में ग्लूकोज की लेवल बढ़ गई, बराबर इंसुलिन प्रॉपर वे से सीक्रेट हो रहा है, बराबर तो यहां पे इसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बराबर सराउंड दैट इज द प्रेजेंस ऑफ सेल्स, काफी सारे सेल्स प्रेजेंट होते लाइक दैट, ये सेल्स। तो ये इंसुलिन करता क्या है, ये जो चैनल होता है, ये जो सेल की तरफ प्रॉपर वे से ग्लूकोज प्रोवाइड होना चाहिए, ये जो चैनल होता है यहां पर इमेजिन करो, ये चैनल ओपन करता है, कौन इंसुलिन, कौन ओपन करेगा चैनल, दैट चैनल ओपन बाय द इंसुलिन, मतलब यहां पे तो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज हो रही है, लेकिन इंसुलिन का काम क्या है, ये जो है ये इंक्रीज होने के बाद यहाँ पे ओपनिंग्स होते हैं, पोर्स होते हैं, वो पोर को क्या करता है, ओपन करता है, कौन इंसुलिन, और यहाँ पे जैसे वो ओपन करेगा वो एक्सेसिव या ब्लड जो है वो कहां, एक्सेसिव ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो कहां पे ट्रांसफर होगा, सेल, बाद में यहाँ पे सेल टू सेल क्या होगा, डिफ्यूज होगा फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। इसी तरह यहाँ पे जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन विच फेल्यूर टू ट्रांसफर ऑफ ग्लूकोज बाय, यहाँ पे अगर हम देखते हैं दैट इंसुलिन, यहाँ पे इंसुलिन है, क्या यहाँ पे इंसुलिन है, नॉर्मल क्वांटिटी में है, लेकिन ये जो इंसुलिन है ये चैनल ओपन नहीं कर पा रहा, मतलब विच फेल टू ट्रांसफर ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू सेल, मतलब ग्लूकोज यहाँ पे है लेकिन वो ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है, कहाँ पे, सेल की तरफ, दैट्स व्हाई दैट टाइप ऑफ डायबिटीज मेलिटस इज नोन एज टाइप टू डायबिटीज मेलिटस, मतलब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, बराबर, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, इन टाइप टू इट इज कॉज्ड ड्यू टू फेलियर ऑफ इंसुलिन टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल, मतलब यहां से जो ग्लूकोज है वो सेल की तरफ ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है, कौन इंसुलिन प्रॉपर वे से, रिड्यूस सेंसिटिविटी टू इंसुलिन इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब ये क्या कर रहा है, रिड्यूस सेंसिटिविटी इंसुलिन इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब ये जो सेंसिटिविटी होती है वो रिड्यूस हो रही है, इसी वजह से यहां पे क्या बोला है, इंसुलिन
सेंसिटेंस, अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। मतलब डायबिटीज जो मेलिटस है ये दो टाइप फॉर्म में होता है, एक टाइप वन और एक टाइप टू। टाइप वन में इंसुलिन कम सीक्रेट होगा और टाइप टू में इंसुलिन नॉर्मली सीक्रेट होगा, लेकिन यहां से वो ब्लड में से ग्लूकोज को सेल की तरफ ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेंसिटिव सेल जो है वो वहां पे नहीं, इंसुलिन रेजिस्टेंस सेल वहां पे नहीं है, इसी वजह से। दिस इज ओवर अबाउट द पैनक्रिया, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन नेचर ऑफ दैट ग्लैंड। मतलब पैनक्रिया का एग्जैक्ट रोल क्या है, उसका क्या फंक्शन है, ये हमने आज देखा, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।